अजय पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस ज़रूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और ढाई की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह अजय ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया बस अब वही बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग करते हुए तो बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। और अजय पिछले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैर अब और नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। अजय के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया, रुको मत अजय, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो, चलते रहो। अजय अब जॉग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। अजय उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते अजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खींच गई थी। अब कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ज़मीन पर पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया। लेकिन अगले ही पल वह जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूँगा, ये मेरी ज़िद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही, इस रेस को पूरा ज़रूर करूँगा। अजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। अजय इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली, और लाइन पार करते ही वह ज़मीन पर लेट गया। उसके आँखों से आंसू बह रहे थे। अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं हुई थी। आज अजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण ना सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसे कंडीशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज़ मत बनाइए। घर में मेहमान है, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 2-3 से तो मिलिए। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही, आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसे करेंगे तो अजय की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी की रेस पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। धन्यवाद।